नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं एहतशाम भाई से। एहतशाम का बता दें कि ये जो है आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक विंग के ज़िला अध्यक्ष हैं और ये जो हैं समाज सेवी में बहुत सी ज़्यादा सीरियस रहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 2022 का चुनाव आ रहा है, कैसे देखते हैं इसको आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आईपा का मैं धन्यवाद दूंगा जो ऑल इंडिया स्तर पे इस तरह का सर्वे, राजनीतिक सर्वे जो करा रहा है कि जनता को क्या चाहिए। जनता को मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, राजनीति नेता कर रहे हैं लेकिन जनता से नेताओं की दूरी बनती जा रही है, तो उस दूरी को कैसे ख़त्म कराया जाए और जनता को कैसे नेताओं से लाभ मिले, राजनीति से कैसे जनता का लगाव नज़दीक हो और जनता को जो लाभ, सरकारी लाभ, सरकार का लाभ मिलना चाहिए वो मिले। तो बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं कि आईपा इस तरह का काम कर रही है, सक्रियता से काम कर रही है और ये सर्वे करा करके राजनीतिक और जनता के बीच की दूरी ख़त्म कर रही है। और आज की जो राजनीति हो गई है, सबसे पहली चीज़ तो एक हम देख रहे हैं कि 2014 के से अब तक की जो राजनीति हो रही है उसमें एक मतलब एक धर्म विशेष को बांटने की राजनीति हो रही है। इस तरह की राजनीति में आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान ऐसे कह लीजिए कि जो बच्चे जो शिक्षित हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पार कर रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है और नेता राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति कर रहे हैं सिर्फ एक धार्मिक मतलब इस तरह से कि कैसे हम वोट को डिवाइड कर दें, तो इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि देश में आम जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे राजनीति को लेकर के जनता के प्रति एक घृणा, मन में घृणा पैदा होती है। तो राजनीति भाई, जनता जो है विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, इसीलिए चुनती है कि जनता का काम करेगी और जनता का काम दिख नहीं रहा है कि जनता को लाभ मिलता हो। 2014 के बाद जनता का जो लाभ मिलना चाहिए, देखिए आप गरीबों की, ठीक है गरीबों की मदद कर रहे हैं, आप अनाज पहुंचवा रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं फ्री, चना दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, ठीक है ये फ्री दे रहे हैं लेकिन फ्री देने से जनता खुश नहीं होगी। जो उनके घर में बच्चे पढ़ करके आज बेरोज़गार घूम रहे हैं उनकी बेरोज़गारी को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। जो आज की राजनीति है उसको सोचना चाहिए कैसे हम बेरोज़गारी दूर कर लें, कैसे हमारे बच्चे कामयाब होंगे, कैसे हमारे बच्चे नौकरी पा जाएं। ये फ्री दे करके हम उसका जनता को लाभ नहीं दे सकते। अच्छा, आम आदमी पार्टी क्या उम्मीद करें, आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या करेगी वो? देखिए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और हमारा मकसद सिर्फ जो हम ले करके आए हैं उत्तर प्रदेश में, जो दिल्ली का जो मॉडल है हम उस मॉडल को लेकर के आए हैं जनता के बीच में। हमको माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर जो काम किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री, उसके बाद महिलाओं को बस में फ्री, शिक्षा फ्री, आज शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, विदेश से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। जैसे अभी ट्रंप आए थे, मेलानिया ट्रंप के साथ वो आए, आ करके दिल्ली के ही स्कूल को उन्होंने चुना और माननीय प्रधानमंत्री जी उस स्कूल में आगे लेकर के उनको थे, तो केजरीवाल जी के ही मॉडल को उन्होंने दिखाया, पेश किया और दिल्ली के जो शिक्षक हैं वो ट्रेनिंग करने विदेश भी जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन दे करके जिस बच्चों का एडमिशन होता था आज वो प्राइवेट स्कूल में न जा करके सरकारी स्कूल में जा रहे हैं,
फ्री में उनका एडमिशन हो रहा है और अच्छी शिक्षा जा रही है, स्वास्थ्य भी फ्री, शिक्षा भी फ्री, बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री। हम उस मॉडल को उत्तर प्रदेश में लाने का काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि 2022 में जनता आम आदमी पार्टी को वोट दे और हमारी सरकार बनाए। देश में जो राजनीति का प्रचलन चल रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक वो कर लीजिए, एक हमको लगता है कि जिसे द्वेष की भावना से काम हो रहा है। द्वेष की भावना से कोई काम, राजनीति में द्वेष की भावना नहीं चलती है। ठीक है, गुंडा है, माफिया है, अपराधी है, न्यायालय है, न्यायालय काम करेगी। अगर उसने जुर्म किया है तो न्यायालय से उसको सज़ा मिलेगी। आप सरकार में बैठ करके एक ठोको की राजनीति जो हो रही है, जिसको अपराध है, अपराधी है, तो आप उसको काउंटर कर दीजिए, मार दीजिए, तो ये सब नहीं होना चाहिए, द्वेष की भावना है। अच्छा, आप बदलाव चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, कैसे बदलाव होना चाहिए? बदलाव सीधे सीधे नेताओं को, जो राजनीति आज की हो रही है, वो धीरे धीरे जनता से लगाव ना हो उनका, जनता जमीन पे रहे नेता, और जनता ही वोट दे करके उनको सिलेक्ट करती है, उनको वोट दे करके विधानसभा पहुंचाती है, लोकसभा पहुंचाती है। आप जनता से दूरी बना करके, कोई नेता हमारे मऊ में नहीं है जो जनता से लगाव, जो डायरेक्ट जुड़ा हो। ज़मीनी नेता चाहिए, जनता के दर्द को समझने वाला नेता चाहिए। जब तक जनता के दर्द को नहीं समझेगा, तब तक उसकी नेतागिरी बिल्कुल बेकार है, वो नेता लायक नहीं है। और जनता, हमको तो लग रहा है कि आने वाले जो ये चुनाव है, कुछ ना कुछ जनता के मन में बदलाव का भी चल रहा है। ये बिल्कुल जनता बदलाव चाहती है। हमारा, हम कह रहे हैं 5 किलो अगर गेहूँ आप दे रहे हैं, तो 5 किलो गेहूँ क्या 1 महीने आदमी खा सकता है? 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ, या 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ दे करके एक आदमी क्या 1 महीने खा सकता है? नहीं खा सकता। तेल आप 1 लीटर दे देंगे, क्या 1 महीना खा सकता है? नहीं खा सकता। एक लीटर आप तेल दे रहे हैं, अगर 10 आदमी का परिवार, 8 आदमी का परिवार है, तो 1 लीटर आप तेल दे रहे हैं, तो क्या एक लीटर तेल में हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो ये सब देखिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह की राजनीति होनी चाहिए। ठीक है, जनता को क्या चाहिए? जनता को अच्छी सड़क चाहिए, जनता को अच्छी शिक्षा चाहिए, बच्चे हमारे पढ़ें। अगर एक ठेला चलाने वाला है, उसके भी अरमान, उसके दिल में अरमान है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, हम अपने बच्चे को कुछ इस लायक बना दें कि जो सरकारी नौकरी के इस लायक बना दें कि हमारा नाम रोशन करें, ऐसी राजनीति होना चाहिए। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, इस तरह की राजनीति होना चाहिए ताकि जनता उसका फ़ायदा ले सके। अच्छा, देखा जा रहा है जो सरकार आ रही है, दावे करती हैं, सरकारें जो आती हैं दावे करती हैं, जनता के बीच में जाती हैं, लेकिन जितने दावे रहते हैं वो दावे ही रह जाते हैं, वो कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से लोगों से वोट लेने के लिए प्रयास किया जाता है, भावनात्मक तरीके से वोट ले करके आ भी जाती है, लेकिन जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। क्या करेंगे ऐसे में? देखिए, ऐसा है कि जो राजनीति है ये सिर्फ जनता को लालच दे करके अपना विधायक चुनना, अपना सांसद चुनना और फिर सरकार बनाना, जनता बहुत आसानी से इनके चंगुल में फंस जाती है, इनके बहकावे में आकर के फंस जाती है। तो जनता को खुद ब खुद इस तरह का काम करना चाहिए कि मतलब इस तरह के बहकावे में ना आवे, और जनता हित में जो काम हो, जो पार्टी जनता हित में काम करे, उसके साथ जनता को जाना चाहिए। अच्छा, जो तरीका बता रहे हैं, इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, दोषी तो कहीं ना कहीं हम भी हैं, दोषी तो कहीं ना कहीं हम भी हैं, इसमें दो राय नहीं। हम बहकावे में आसानी से आ जाते हैं, कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं मस्जिद के नाम पे, कहीं फ्री टैबलेट के नाम पे, कहीं मोबाइल के नाम पे, हैं। तो जब हमारे दिल में एक लालच जब पैदा हो जाएगी, तो लाजिम सी बात है कि हम उनके साथ जुड़ जाएंगे। हमको ये सोचेंगे ना कि हमको फ्री में सब मिल रहा है, हमको फ़ायदा मिल रहा है। हमारी जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय सांसद राज्यसभा संजय सिंह जी ने
ये कहा है कि जब सांसदों और विधायकों को सारी सुविधाएं फ्री दी जा सकती है टैक्स के पैसे से, तो हम जनता को क्यों नहीं फ्री टैक्स के पैसे से दे सकते हैं? उत्तर प्रदेश का तो बजट 65 लाख करोड़ है, 70,000 करोड़ दिल्ली का था। जब दिल्ली में हम जनता को फ्री सेवाएं दे सकते हैं टैक्स के पैसे से, और हम लास्ट में भी नहीं, हम फायदे में हैं। अगर नुकसान होता, हम जनता को फ्री दे रहे हैं नुकसान होता, तो कहने की बात होती कि नहीं नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं, हम जनता को सारा सुविधा फ़ायदा देने के बाद भी हम फायदे में। उसी तरह हम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का 65 लाख करोड़ का जो बजट है, उस बजट में हम जनता को सारी सुविधाएं फ्री उपलब्ध कराएंगे और उत्तर प्रदेश में बजट का भी नुकसान नहीं होगा, कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य, क्या ये राजनीति का हिस्सा बनेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि राजनीति का हिस्सा तो इसको नहीं बनाना चाहिए, राजनीति का हिस्सा इसको इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि देखिए भाई स्वास्थ्य हम सबसे जुड़ा हुआ है, शिक्षा हम सभी लोगों से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये तो राजनीति का हिस्सा मन से नहीं होना चाहिए, मन से कि हम ये कर देंगे वो, ये नहीं होना चाहिए। आप ज़मीन पे वो काम करके दिखाइए जनता को। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जनता को लॉलीपॉप नहीं दिया, जनता को करके दिखाया, दिल्ली के अंदर जनता को ये सारी सुविधाएं मिल रही है और जनता को दिखाया। लेकिन और जो पार्टियां हैं, अभी 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश का, आप तो देख ही रहे हैं तरह तरह का जो है लुभावन वो चल रहा है। कोई कह रहा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो कोई कह रहा है कि हम स्कूटी फ्री देंगे, तो कोई कुछ फ्री देगा, कोई कुछ फ्री देगा, तो ऐसे नहीं काम चल। अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी दिया है, अभी इन्होंने रोज़गार गारंटी दिया है कि हम लाखों छात्राओं को हम रोज़गार देंगे, बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे, और तब तक हम 5,000 रुपये मंथली उनको, जब तक हम नौकरी नहीं देते हैं तब तक मंथली 5,000 रुपये महीने हम उनके अकाउंट में डालेंगे। ऐसी सरकार चाहिए, जो करे, जो वादा करे उसको करे, ये नहीं कि हम आ करके आज आपको झूठ बोल करके, आपको बरगला करके, आपसे वोट हासिल करने के बाद हम चले जाएं, उसके बाद भूल जाएं 5 साल, फिर चुनाव आओ तो फिर वही उसी तरह मामला लेकर के आए। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय सांसद संजय सिंह जी, ये और हमारे शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी, ये लोग गारंटी दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आप बनाते हैं तो हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और जो बेरोज़गार हैं उनको हम लाखों नौकरियां देंगे, जब तक नौकरी नहीं देते हैं तब तक 5,000 रुपये की गारंटी देते हैं। अच्छा, सरकारें आती हैं लगातार, ये सरकारें तो कहती हैं, दावे करती हैं, वादे करती हैं, ये करेंगे वो करेंगे, सरकार आती है लेकिन फिर वही, आखिर जनता भरोसा कैसे करे? नहीं, जनता को देखिए, अब तक जो भी सरकारें थी वादे पे चल रही थी, वादे पे लोगों ने वोट दिया, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि वादा सिर्फ एक ने किया जिसने पूरा किया, उसने माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, जनता के बीच जाकर उन्होंने कहा कि मैं ये चीज़ दूंगा, तो उन्होंने करके दिखाया। दिल्ली में तो सीसीटीवी कैमरा लग गया, बिल्कुल लग गया, यूपी, हाँ पूरा एशिया में सबसे बड़ा, मैंने एशिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई कैमरा लगाने वाला अगर प्रदेश है तो दिल्ली प्रदेश है, दिल्ली के अंदर है सीसीटीवी कैमरा, मोहल्ले मोहल्ले घूमे। हम लोग तो जा करके हम लोग गए थे गली गली में, जाके घूमा गया, देखा कि हर गली गली में महिलाएं सुरक्षित हैं, कैमरे की वजह से बहुत खुश हैं महिलाएं कि कैमरा लग गया, अब हम लोग एकदम सही हैं, खुश हैं। शिक्षा अभी हम लोगों ने जाके देखा, स्कूल वहाँ देखा, मैं आपको कैसे बताऊँ, स्विमिंग पूल है स्कूल में, एसी कमरे हैं, बच्चे बहुत ठाट से रह रहे हैं। स्वास्थ्य का मोहल्ला क्लिनिक, MBBS डॉक्टर बैठे हुए हैं वहाँ, मोहल्ले मोहल्ले में MBBS बैठे हुए हैं, आप जा रहे हैं फ्री इलाज आपका हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद फरिश्ते स्कीम उन्होंने चलाया था, जो एक्सीडेंट जो होता है, जो एक्सीडेंट से जैसे लोग घायल हो जाते हैं, रोड पे तड़पते रहते थे, कोई जल्दी डर के मारे उनको छूता नहीं था कि पुलिस केस हो जाएगा, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि कोई भी जो घायल है, जो दुर्घटना से घायल है, उसको उठा के नज़दीकी अस्पताल में पहुँचाएगा तो हम उसको 3,500 रुपये। असंतुष्ट होकर वोट देना, असंतुष्ट होकर वोट देना, सपने पूरे करने के लिए वोट देना, अपने
जो हक है उसको पाने के लिए वोट देना, वोट देती है जनता, सरकार भी बदल देती है, लेकिन उनके सपने पे पानी फिर जाता है। ऐसे में जनता क्या करे? नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि हम कह रहे हैं केरला ऐसा राज्य है, 99% शिक्षित लोग हैं ना, वहाँ भी बहुत सी पार्टियाँ जाती हैं, बहुत सा लुभावन वादा करती है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग वोट नहीं देते। वो जानते हैं कि ये लोग आ रहे हैं लुभावना वादा करके चले जाएंगे और 5 साल तक फिर इसी तरह जो चाहेंगे वो करेंगे, मनमाना करेंगे, इसलिए वहाँ की शिक्षित जनता कभी वोट नहीं देती। वहाँ पे जैसे विकास चल रहा है, जो काम होना चाहिए वो हो रहा है, मुख्यमंत्री लगातार बनते चले जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ शिक्षित जनता रहेगी तो वहाँ धर्म जात की राजनीति नहीं होगी, बिरादरीवाद की राजनीति नहीं होगी, धर्म वो धर्म ये बिरादरी उसकी राजनीति नहीं होगी। सबसे पहले जी जनता को ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हम अपने बच्चों को, एक रिक्शा चलाने वाला बच्चा रिक्शा चलाने वाला है, उसका भी बच्चा रिक्शा चलाने वाला अपने दिल में अरमान लेकर के चल रहा है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा बच्चा पढ़ करके कुछ काम करे, कुछ अच्छे उस पर जाए, हमारा माँ बाप का नाम रोशन करे, सबका अरमान होता है। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। बेरोज़गार अभी कल यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी कैबिनेट मंत्री गृह शिक्षा मंत्री हैं, वो आए थे और वहाँ पे बेरोज़गार बच्चे जो सेना में भर्ती होने के लिए गए वो नारा लगा रहे थे, तख्ती लेकर के खड़े थे, सेना में 3 साल से भर्ती ही नहीं हो रही है और आप लाखों रोज़गार देने का वादा कर रहे हैं। कौन सा रोज़गार मिला कोई बता दे, कौन सा रोज़गार मिला, कौन सी नौकरी आपने निकाला? अब तो चुनाव आ गया 2022 का, कौन सी नौकरी आपने दिया? नौकरी नहीं दिया आपने, सिर्फ आप जो है आप अखबारों में मीडिया में सिर्फ प्रोपगंडा फैला रहे हैं और कुछ नहीं। क्या युवाओं को राजनीति में नेतृत्व देना सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल युवाओं को आना चाहिए राजनीति में, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति बदलने के लिए अच्छे लोगों का आना, युवाओं का आना, शिक्षित लोगों का आना। देखिए जब शिक्षा होगी, जब शिक्षा होगी तो लोग कैसे विकास हो, जनता को क्या सुविधा हम देंगे, जब शिक्षा होगी तभी तो ये सोचेंगे। शिक्षा ही जब नहीं रहेगी तो हम क्या सोच सकते हैं? अच्छा आरक्षण और धार्मिक मुद्दे को लेकर जो सियासत हो रही है, क्या आप इसको गलत मानते हैं? देखिए आरक्षण का जो मामला करनी चाहिए इसमें, नहीं नहीं आरक्षण का जो मामला जो हमारे संविधान में है, तो जो संविधान के तहत जो दायरे में जो संविधान में आरक्षण का वो दिया गया, तो उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। आरक्षण ऐसे नहीं बदला जा सकता, उसमें बहुत मामले हैं और संविधान के दायरे में संविधान बना तो एक आरक्षण की व्यवस्था दी गई है उसमें, तो आरक्षण की जब व्यवस्था दी गई है तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते कि आरक्षण जिसको मिल रहा है उसको मिलना चाहिए। धार्मिक मुद्दे को लेकर के क्या राजनीति होनी चाहिए? नहीं धार्मिक मुद्दे पर तो मैंने आप तो बता तो दिया आपको, धार्मिक मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो भी राजनीति होनी चाहिए विकास के नाम पर होनी चाहिए, जो भी राजनीति होनी चाहिए जनता को क्या हम फायदा दें, जनता के हित में क्या करें, उस पर राजनीति होना चाहिए। शिक्षा पे होना चाहिए, स्वास्थ्य पे होना चाहिए, सड़क बिजली पानी पे होना चाहिए, जनता को यही चाहिए, नेताओं से जनता को सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 180 रुपये किलो 200 रुपये किलो कड़ुआ तेल भी, 100 रुपये किलो 110 रुपये किलो अरहर की दाल बिक रही है, कोई इस पर कहने वाला है, कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला, कोई कहने वाला नहीं। पेट्रोल का दाम जो है 100 पार कर गया था, अब 1-2 रुपये कम हो गया। यही जब विपक्ष में बैठती थी जो पार्टी है, इस वक्त जो सरकार में है सत्ता में है, जब विपक्ष में बैठती थी तो हंगामा करती थी, रसोई गैस का सिलेंडर महंगा होता था तो सिलेंडर लेकर रोड पर धरना प्रदर्शन करते थे, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता था तो तब महंगाई को लेकर के धरना रोड पर करते थे। अब कहाँ है वो, चूँकि सत्ता में नहीं कर सकते। अब विपक्ष कहीं ना कहीं इस तरह की कमज़ोर पोजीशन में है, वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमको लग रहा है कि जनता बिल्कुल जवाब देने के लिए बैठी हुई है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एहतिशाम भाई, जो कि
आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक विंग के जिलाध्यक्ष थे, जो ये आईपा के सवालों का लगातार जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।